नमस्कार, मैं हूं अमन कुमार। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल अमन्स टेबल पे। आज मैं आपके लिए एक और स्पेशल रेसिपी लेके आया हूं, क्योंकि अमन्स टेबल पे जितनी भी सारी रेसिपी हैं वो स्पेशल ही होती हैं। तो आज मैं बनाने वाला हूं फिश। ये जो फिश है, मैं कुछ अलग दो तीन तरह का वेजिटेबल और इंग्रेडिएंट्स के साथ में बनाने वाला हूं। इस फिश को आप घर पर ज़रूर ट्राई कीजिए। ये जो फिश है आपको अलग लेवल पर ही लेके जाने वाला है इसका जो टेस्ट है। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर आप इस वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे, अगर आपने एक भी सिंगल स्टेप मिस कर दिया, जी हाँ एक सिंगल स्टेप आपने मिस किया, ये जो रेसिपी है प्रॉपर आप नहीं बना सकते हैं। आपने जो मेहनत किया हुआ है, आपके जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो वेस्ट हो जाएंगे। और ये जो वीडियो है उन लोगों के लिए भी बहुत इंफॉर्मेटिव है, बहुत नॉलेज वाली है, जो अभी होटल मैनेजमेंट कर रहे हैं या फिर किचन में अपने कैरियर ढूंढ रहे हैं या फिर अपने खुद के लिए यूट्यूब चैनल बनाना चाहते हैं, उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। बनाने के लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ कोड फिश। वैसे तो इसका आप कहीं भी इसको ऑर्डर कर सकते हैं ऑनलाइन, या फ्रोजन ही मोस्टली आता है। अभी हम इसको ट्रिम करने वाले हैं, इसके अंदर का जो भी एक्स्ट्रा बोन्स वगैरह होगा उसको हम ट्रिम करके कट करके और निकालने वाले हैं। कुछ इस तरह से जो कोड है वो आपको नज़र आएगा। अगला स्टेप है इस वेजिटेबल को कट करना। अगर आपने पहले कभी ये वेजिटेबल खाया हुआ है तो मुझे कमेंट कीजिए। और सब किसी ने, मैं भी, हालांकि आप कभी भी जाते हैं होटल रेस्टोरेंट में तो ये चीज़ आपको खाने को मिलती है। यह है हमारा सौंफ। जी हाँ, सही सुना आपने, हमारा सौंफ का रूट है, जो सौंफ का पेड़ होता है। अगर मैं इसको बिल्कुल क्लियर कर दूँ आपके लिए, तो ये जो सौंफ का पेड़ है उसका जड़ है। ये मैं यूज करने वाला हूँ हमारे कोड फिश के साथ में। कुछ इस तरह से आपको कट कर लेना है। फिर इसको मैरिनेट करते हैं। मैरिनेट करने के लिए मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ सॉल्ट, क्रश पेपर। फिश जो कुक होने के लिए तैयार हो चुका है। कुक करने के लिए मैं यहाँ पे नॉर्मल कुकिंग ऑयल यूज़ कर रहा हूँ। हमारा ऑयल गर्म हो चुका है। मैं आपको रिकमेंड करूँगा जब आप फिश कुक करते हैं तो मीडियम हीट ही यूज कीजिए, हाई हीट पे जलने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। दो मिनट के आसपास इधर और दो मिनट के आसपास उधर, आपको दोनों तरफ ही कुक करना है। दो मिनट के आसपास अभी मैं इसको फ्लिप करता हूँ, बिल्कुल केयरफुल। टूटने का जो चांसेस है फिश में ज़्यादा रहते हैं। ओ वाह वाह वाह, देख सकते हैं आप इसको कितने अच्छे तरीके से कुक हुआ है। ये जो मीट है वो बाहर की तरफ आना शुरू हो गया है। दो मिनट और हम इसको कुक करेंगे, इसके बाद में हमारा जो फिश है वो तैयार हो जाएगा। अभी हम कुक करने वाले हैं हमारा सौंफ, जिसको इंग्लिश में फिनल बोलते हैं। तो हमारा फिनल कुक करने के लिए मैं सिंपली जो पैन हमने फिश के लिए यूज किया हुआ है उसी पैन को मैं यूज कर रहा हूँ। इसको आप बटर में भी इसको कुक कर सकते हैं, बटर के साथ में। मैं कुकिंग ऑयल ही प्रिफेयर कर रहा हूँ अभी के लिए, कुकिंग ऑयल, क्योंकि बटर आपको पता ही है बहुत ज़्यादा फैट और बहुत सारी चीज़ होती हैं। तो इसके लिए मैं नॉर्मल इसको कुकिंग ऑयल ही यूज कर रहा हूँ। नमक, इसको आप स्टीम भी कर सकते हैं, अगर ओवन नहीं है तो इसको आप पानी में उबाल सकते हैं, उसके बाद कुक कर सकते हैं। देखिए बहुत बहुत अच्छा कलर आ रहा है इससे। तो हमारा जो फिनल है, सौंफ है, वो पक चुका है। अभी हम बनाने वाले हैं ग्रीन पीच प्यूरी। चलिए शुरू करते हैं ग्रीन पीच प्यूरी बनाना। तो ग्रीन पीच प्यूरी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे वाटर को ऑलरेडी उबाल लिया हुआ है। ये बिल्कुल सिंपल वाटर है, इसमें कोई भी सॉल्ट पेपर कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। अभी मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ ग्रीन पीच। ये जो है थोड़ा सा फ्रोजन है, क्योंकि फ्रेश मिलना हंगरी में मुश्किल होता है। आप फ्रोजन ईजिली मार्केट से परचेज कर सकते हैं। मैंने इसको इसके अंदर में 8 से 10 मिनट के आसपास आपको इसको उबालना है। मैंने ग्रीन पीच को 10 मिनट के आसपास उबाल लिया हुआ है। अब इसका जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो शुरू करते हैं। हमारा जो ग्रीन पीच है वो ऑलरेडी हम इसको उबाल चुके हैं 10 मिनट के आसपास, और अभी हम इसको बनाने वाले हैं प्यूरे। प्यूरे बनाने के लिए मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ गार्लिक। मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ बटर, ये अनसॉल्टेड बटर है। कोशिश कीजिए कि अगर आपके पास अनसॉल्टेड बटर है तो काफ़ी बेटर रहेगा। उसके बाद मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ सॉल्ट। सॉल्ट जो है आप टेस्ट अनुसार ऐड कर सकते हैं, और शुगर। अभी हम इसको ब्लेंड करने वाले हैं। आप मिक्सर यूज कर सकते हैं। आपको अगर आपको लगता है कि इसमें पानी और चाहिए, इसका जो टेंडेंसी है आपको लिक्विड जैसा चाहिए, हालांकि जो प्यूरे होता है वो प्यूरे के हिसाब से ही होता है ना, तो ज़्यादा लिक्विड होना चाहिए और ना ही ज़्यादा हार्ड होना चाहिए। तो अभी मैं इसको बनाने वाला हूँ प्यूरे।
हमने जो ग्रीन पीस प्यूरे बनाया हुआ था अभी उसको हम स्ट्रेन करने वाले हैं। उससे क्या होगा कि जितने भी लम्ब्स हैं जो इसके मोटे पार्ट हैं, अगर अपनी सिंपल भाषा में अगर मैं आपको समझाऊँ तो वो जो है इसके ऊपर ही रह जाएगा। आप इसको स्ट्रेन जरूर कीजिए। ग्रीन पीच प्यूरे जो है न्यू बॉर्न बेबी के लिए भी बहुत हेल्दी होता है, लेकिन आप उसमें जैसे मैंने यहाँ पे ऐड किया हुआ है गार्लिक बटर, वो आप यूज नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये जो है उनके लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग रहेगा। बिल्कुल स्लोली स्लोली जो है इसको हमने जो प्यूरे बनाया हुआ है ग्रीन पीच प्यूरे मैं स्ट्रेन कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से जो ग्रीन पीच प्यूरे है वो दिखेगा, बिल्कुल स्मूथ होना चाहिए। देख सकते हैं मैंने इसको स्ट्रेन भी कर लिया हुआ है। अभी हम करते हैं हमारे फूड का प्लेटिंग। तो प्लेटिंग शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये हमारा फिश है, ये हमारा ग्रिल फिनल है, और हमारे पास में है अभी हमारा ग्रीन पीच प्यूरे जो आप देख सकते हैं। अभी हम इसको करते हैं प्लेट। देखा ग्रीन पीच प्यूरे और ये जो मैंने फेनल यूज किया हुआ है ये बहुत ही सिंपल है, मार्केट में आपको इजीली अवेलेबल हो जाती है। हंगरी में ग्रीन पीच जो है वो थोड़ा सा फ्रेश मिलना बहुत ही मुश्किल होता है, मोस्टली यहाँ पे यूरोप में फ्रोजन वेजिटेबल होती हैं। तो आप इस रेसिपी को घर पे ट्राई कीजिए, बहुत ही डिलीशियस है, मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ। अगर आप एक बार बनाते हैं तो आप बार बार ज़रूर बनाएंगे। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं एक और न्यू वीडियो में न्यू रेसिपी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।